हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और हमेशा की तरह मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन में रोबोटिक स्पा की शुरुआत की गई है। ये रहे आपके ऑप्शंस, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में विद एक्सप्लेनेशन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पांचवा रोवर प्रिजर्वेंस मंगल ग्रह की सतह पर लैंड कर गया है या वहां पे उतर गया है। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं प्रिजर्वेंस रोवर को, और ये है अमेरिका का। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, तो उसने लॉन्च किया था इसको लगभग 7 महीने पहले, और ये अब पहुंच गया है मंगल ग्रह की सतह पर, लैंड हो गया है। और एक रोवर और है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी रोवर, वो भी अभी भी है मंगल ग्रह पे और काम कर रहा है। ये उससे एडवांस रोवर है प्रिजर्वेंस। इसमें लगभग 19 कैमरे लगे हुए हैं और काफी सेंसर भी लगे हुए हैं, और ये इसका जो भार है वो लगभग 1 टन का है। और इसमें एक लेबोरेटरी भी है जो मंगल ग्रह की सतह से मिट्टी को कलेक्ट करेगा और उसकी जांच करेगा, और उसकी जो रिपोर्ट है वो नासा को भेजेगा। तो ये काफी एडवांस रोवर है। और अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा होप मिशन, जो कि है यूएई का, वो भी मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया है। यानी ये होप मिशन है, ऑर्बिटर इसमें है, और ये मंगल ग्रह पे लैंड नहीं होगा बल्कि मंगल की कक्षा के चारों तरफ ये चक्कर लगाएगा। और चाइना का एक मिशन है जिसका नाम है तियान वेन वन मिशन। इसमें एक लैंडर भी है, रोवर भी है, और ये इसमें ऑर्बिटर भी है। तो ये ऑर्बिटर में पहुंच गया है, यानी मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया है, और ये कुछ दिन बाद मंगल ग्रह की सतह पे लैंड करेगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, और ये है प्रिजर्वेंस रोवर की खासियतें, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। और जो मंगल है वो कहाँ पे है सौर मंडल में, तो पहले नंबर पे आता है मरकरी, दूसरे पे आता है वीनस, तीसरे पे आता है पृथ्वी, और चौथे नंबर पे है मार्स। ये है मार्स सौर मंडल में, और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा एस्ट्रॉयड है। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, उनका क्या नाम है, एक का नाम है फोबोस, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है फोबोस, और दूसरे का नाम है डीबोस। डीबोस दो उपग्रह है मंगल के, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान मिला है YS जगन मोहन रेड्डी को, जो कि हैं आंध्र प्रदेश के CM, यानी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। इनको मिला है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, और जनहित में काफी सारे स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी। और आपने देखा होगा कि जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसमें जो मोस्टली स्कीम्स होती हैं वो होती हैं वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु की, आसाम की या केरला की। क्यों होती है, क्योंकि इन सभी स्टेट में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन दो राज्य ऐसे हैं, एक है उड़ीसा और दूसरा है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे चाहे चुनाव हो या ना हो, ये जनहित में काफी सारी स्कीम्स लॉन्च करते रहते हैं, तो उसी के लिए YS जगन मोहन रेड्डी को मिला है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। और जो नवीन पटनायक है ये है उड़ीसा के CM, और ये काफी दिनों से यहाँ के CM है। इनको मिला था, क्या मिला था इनको, हीरो टू एनिमल अवार्ड। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा इंडिया के द्वारा दिया गया था। और ई के प्लानी स्वामी, जो कि तमिलनाडु के CM है, इनको मिला था कुछ दिन पहले पॉल हैरिस अवार्ड, पॉल हैरिस फेलोशिप अवार्ड इनको मिला था। और जो अर्जुन मुंडा है, अर्जुन मुंडा जी जो कि आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, इनको कुछ दिन पहले ही मिला था स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड इनको मिला है अर्जुन मुंडा जी को, और स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है YS जगन मोहन रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य में हेमरिज सेप्टिसीमिया, हेमरिज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई। तो ये एक तरह का रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है, और इस रोग के कारण जो श्वसन क्रिया है और जो फेफड़े हैं वो खराब हो जाते हैं, इसकी वजह से हाथियों की मौत हो गई। कितने हाथियों की, 6 हाथियों की। तो ये है उड़ीसा में, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर।
और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे करलापट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही एक है कलिंगा स्टेडियम, जहां पे मेंस वर्ल्ड हॉकी कप खेला जाएगा 2023 में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, तो ये बना रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, गुरुग्राम में, जो कि है हरियाणा में, और ये पहला इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और ये लॉन्च करेगा वर्ल्ड सोलर बैंक। और ये बना कैसे था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो आपको पता होगा कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, जो COP15 हुआ था, उसमें इंडिया और फ्रांस ने ये प्रस्ताव रखा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना चाहिए, तो उसके बाद ये बना था। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होगा, कहाँ पे होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 2021 में, तो वहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत जो इसका अध्यक्ष है 2 साल के लिए, तो वो प्रस्ताव रखेगा कि हमें एक वर्ल्ड सोलर बैंक बनाना चाहिए, जिससे जो गरीब देश है उनको हम लोन दे सकें लगभग $50 बिलियन तक, ताकि उनके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके और वो सोलर पैनल को लगा सकें और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकें। तो ये होगा, ये हम प्रस्ताव रखेंगे कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 होगा ग्लासगो शहर में, तो ये है वर्ल्ड सोलर बैंक। हाल ही में 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है हैदराबाद को, हैदराबाद जो कि है तेलंगाना की कैपिटल, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और यहीं पे है चार मीनार, और रामोजी फिल्म सिटी भी यहीं पे है हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी पे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। और ये अवार्ड देता कौन है, ये देता है ऑर्बर डे फाउंडेशन, यानी ऑर्बर डे फाउंडेशन लोगों को जागरूक करता है कि आप अपने आसपास पेड़ लगाएं अपने घरों पे, ताकि जो शहर हो वो क्लीन हो। तो उसमें हैदराबाद जो शहर है उसने काफी अच्छा काम किया, तो इसके लिए इनको 2020 का ट्री सिटी अवार्ड मिला है। और हैदराबाद से आप और क्या याद रख सकते हैं, हैदराबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी बना हैदराबाद में, जिसमें लगभग 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। और हैदराबाद में देश का पहला डॉग पार्क भी खुला था, और नॉर्थ इंडिया का जो सबसे पहला डॉग पार्क है वो है हरियाणा और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में ही है रॉक गार्डन जिसको बनवाया था नेक चंद ने। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की नींव किस राज्य में रखी गई है, तो आपको मैंने काफी दिन पहले बताया था कि राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा, तो ये बनेगा कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा में बनेगा देश का सबसे बड़ा स्टेडियम। और क्यों बन रहा है ये, क्योंकि उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में 2023 में मेंस वर्ल्ड हॉकी कप खेला जाएगा, भुवनेश्वर में कहाँ पे, कलिंगा स्टेडियम में, और राउरकेला में ये बिरसा मुंडा स्टेडियम में, तो ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, और इसमें लगभग 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और ये देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। और जो उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। और यहाँ पे सबसे बड़े की बात हो रही है, तो गुजरात में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खुल रहा है, कहाँ पे, अहमदाबाद में, और जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है सबसे पहला वो है जोगी गोपा में, जो कि है असम में, तो कंफ्यूज नहीं होला, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी गोपा असम में, और सबसे बड़ा अहमदाबाद में। नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट खुल रहा है, और देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी भी यहीं पे खुल रहा है। और केरला में एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर ये भी खुल रहा है, सबसे बड़ा केरला में। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है, यानी किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा रुपए में खरीदा गया है, तो ये बन गए हैं क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस को लगभग 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया, किसने खरीदा, राजस्थान रॉयल्स ने। और ये फोटो में आप देख सकते हैं सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस 16.25 करोड़ में, उसके बाद है ग्लेन मैक्सवेल, फिर है रिचर्डसन, और यहाँ पे आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं।
और इनको खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2020 का जो आईपीएल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। और इसी का अभी हाल ही में होप मिशन भी मार्स पे पहुंच गया है। और जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो भी है दुबई में। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग बार्कले, जो कि है न्यूजीलैंड से, और सीईओ हैं मनु साहनी। और जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और इसके जो 39वें जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हैं सौरभ गांगुली। और जो सेक्रेटरी हैं वो हैं जय शाह। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्व क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, सर्व। तो ये पुरस्कार मिला है सोनू गांधी, अंतरा बनर्जी, शोभना कपूर, ऋतु गुप्ता, यानी सबको ये मिला है ये पुरस्कार सर्व। और ये क्यों दिया जाता है, जो 40 साल से कम उम्र की महिलाएं हैं उनके द्वारा दिए गए योगदान को, साइंस के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाता है सर्व के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में स्नेकोपीडिया ऐप लॉन्च किया गया है? स्नेकोपीडिया ऐप लॉन्च किया गया है, तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये सांपों के बारे में है, तो ये लॉन्च किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा, केरला के द्वारा, जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया स्नेकोपीडिया। और इसमें होगा क्या, आपको पता होना चाहिए कि लगभग 3600+ प्रजातियां हैं पूरे वर्ल्ड में सांपों की, और 300+ प्रजातियां लगभग भारत में पाई जाती हैं, और उनमें से 100+ यानी लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं केरल में। तो उनके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि कौन सा सांप किस प्रजाति का है, तो उसके लिए लॉन्च किया गया है ऐप। और अगर वो सांप काटता है किसी को तो जो प्राथमिक उपचार है यानी जो फर्स्ट एड है उसमें क्या करना चाहिए हमें, तो उसकी भी जानकारी स्नेकोपीडिया ऐप में दी गई है। तो ये इसको लॉन्च किया है केरल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर किसे चुना गया है? मोस्ट वर्सटाइल एक्टर, तो ये चुना गया है के मेनन जी को, के मेनन जी को। इनको फोटो में आप देख सकते हैं, तो इनको मिला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर। और यहाँ पे जितने भी एक्टर लिखे हैं वो काफी दिग्गज एक्टर हैं, जैसे कि मनोज वाजपेयी, इनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो इनको मिला था पद्मश्री 2019 में, 2019 में मिला था इनको पद्मश्री अवार्ड। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उनको गोल्डन ड्रैगन अवार्ड मिला था, किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था पंकज त्रिपाठी को। तो अब लौटते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे, यानी रोबोटिक एक्सपा की शुरुआत किसने की है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के द्वारा, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने शुरू किया है रोबोटिक एक्सपा। और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर देश का पहला हेल्थ एटीएम लगा था, और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है वो देश का पहला आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला स्टेशन है। और जो हुबली रेलवे स्टेशन है इस पे देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है, और इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब कर दिया गया है श्री सिद्धिरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पे है, कर्नाटका में, ये है असम में, और ये है आंध्र प्रदेश में, और ये है उत्तर प्रदेश में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ रात को 8 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए करंटोपीडिया।